बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लगातार पीएम नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर है। तीन राज्यों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव के समर में उतरने वाली मायावती ने ट्वीट किया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की आज शाम घोषणा होते ही आचार संहिता के लागू हो जाने से पीएम मोदी की खोखली और हवा हवाई घोषणाओं व शाही खर्चों वाले इनके सरकारी शिलान्यास आदि प्रोग्रामों से देश को मुक्ति तो मिल जाएगी। चुनाव आयोग के आज लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान करने की सूचना के बीच विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मायावती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है, बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की आज शाम घोषणा होते ही आचार संहिता के लागू हो जाने से पीएम श्री मोदी की खोखली व हवा हवाई घोषणाओं और शाही खर्चों वाले इनके सरकारी शिलान्यास आदि प्रोग्रामों से देश को मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन जनता इनके अन्य हथकंडों से भी सावधान रहे। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में तब तक नई सरकार का गठन जरूरी तो हो जाता है।